अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं सब चलता है, जिसका आज पहला एपिसोड है और मेरे साथ एक्सपर्ट बैठे हैं जिन्होंने बहुत मुश्किल समय में टाइम दिया है, मिस्टर साद अजहर अली। अस्सलाम वालेकुम साद भाई। वालेकुम सलाम, कैसे हैं नवीद साहब? बहुत शुक्रिया। साद भाई, सबसे पहले तो लॉकडाउन से शुरू करूंगा, क्या मसरूफियात है लॉकडाउन में आपकी? लॉकडाउन में कुछ नहीं है, न्यूज़ सुन रहे हैं, हालात देख रहे हैं मुल्क के, और बस देख रहे हैं कि किस तरह हालात जा रहे हैं। हालात अच्छे तो नहीं है फिलहाल। हालात से तो हर कोई परेशान है और तकरीबन कमोबेश एक महीना होने को आ गया है। पहला केस पाकिस्तान में कोरोना वायरस का आया है 26 तारीख को, अच्छा, 26 फरवरी पहला केस आया है। चाइना में आई थिंक ये दिसंबर 31 को पहला केस आया था, हाँ पाकिस्तान में पहुंचते पहुंचते इसको 2 महीने लग गए और 26 तारीख को आया। फिर उसके बाद हमारे यहाँ 1 महीने बाद जो है वो थोड़ा इस पे गौर व फिक्र किया गया कि ये भी कोई दवा। इससे पहले तो कहा जा रहा था खैर कि ये एक अजाब है, जब तक चाइना में था, जब ये हमारे ऊपर आ गया तो आजमाइश बन गया, तो हमने इसको थोड़ा सा सीरियस लेना शुरू कर दिया। तो साथ भाई, आप खैर गहरी नज़र है इस पे, थोड़ा इस पे रोशनी डालें कि क्या आगे की क्या सूरत हाल आपको नज़र आ रही है? क्या रिसेशन देख रहे हैं? फिलहाल तो दुनिया भर रिसेशन देख रही है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं, इस दौरान अमेरिका में इस वक्त डॉलर जो ऑयल की प्राइस है वो तकरीबन $10 से भी कम पर बैरल पे जा चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल, तो 21 साल की कम तरीन सतह पे आ गई है। ये, हाँ, ये बहुत, मतलब 28-30 साल बाद कह रहे हैं कि ये कम तरीन सतह पर इस वक्त है। हालात अगर देखें तो आप पेट्रोल से अंदाजा लगा लें कितना नीचे आ गया है। दुबई में अभी एक खबर आ रही थी कि उनकी कॉन्सुलेट को 40,000 पाकिस्तानियों ने कहा है कि हमें अपने मुल्क पाकिस्तान वापस जाना है, सिर्फ ये यूएई पाकिस्तान की की बात है। पाकिस्तान की कैपेसिटी इस वक्त मेरे ख्याल से शायद 1500 से 2000 है डेली बेसिस पे लाने के लिए। फिलहाल तो जितनी कैपेसिटी, सिर्फ सिर्फ अगर ये यूएई में खर्च करेंगे तो इनको तकरीबन 2 हफ्ते लग जाएंगे लाते लाते, सिर्फ सिर्फ यूएई से। ज़्यादा देख, हमारे दुबई ज़्यादा से है ज़्यादा, इसमें बिल्कुल। हाँ, अगर ज़्यादा फ्लाइट चलाएंगे तो शायद जल्दी हो जाए, लेकिन मिनिमम भी 2 हफ्ते इनको लगेंगे। और आप अंदाज़ा लगा लो कि 40,000 लोग सिर्फ दुबई से। अभी आप सोधरा भूल जाओ, अभी आप कतर है, ओमान है, और सिर्फ ये सिर्फ यूएई की बात हो रही है कि 40,000 लोग वहाँ फंसे हुए। 40,000 जो लोग ला के यहाँ पे सिर्फ छोड़ने भी तो रही ना है उनको, फिर 14 दिन क्वारंटीन में रखना है। देखें, क्वारंटीन में भी आपको उनको रखना है। तो पहली बात तो ये कि आप उनको लाएंगे, आप उनको टेस्ट करेंगे, आप आपके पास एयरपोर्ट भी लिमिटेड हैं जहाँ आप ला सकते हैं, तो इस्लामाबाद लाएंगे या आप लाहौर या कराची। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, तो इधर आप कहाँ पार्किंग एरिया में क्वारंटीन एरिया बनाएंगे? पार्किंग एरिया में तो क्वारंटीन नहीं बन सकता मेरे भाई। आइडिया आपका अच्छा है, बना सकते हैं वैसे, लेकिन आज आपने सुना भी होगा कि चीफ जस्टिस साहब ने बयान भी दिया है कि आपने जो क्वारंटीन माह बनाया थे पहले, अब गर्मियों में क्या होंगे, क्योंकि माह तो उसमें आपने टेंट लगा दिए थे, उसको तो मौसम अच्छा बिल्कुल था। अब जो गर्मियां पड़ेंगी, पड़ रही, और अगले 3-4 दिन बाद इंशाल्लाह रमजान भी आ जाएगा, तो कैसे लोग रहेंगे उस तो कोरोना क्वारंटीन में? वायरस से कम लोग हीट वेव से ज्यादा मर जाएंगे। अल्लाह ताला रहम करे, हीट वेव ना नहीं आए भाई, तो बेहतर है। हीट वेव तो फिलहाल तो नहीं लग रही, लेकिन आ रही है थोड़ी थोड़ी, हर 2 दिन बाद, 2 दिन के लिए। सब आपको महसूस हो रही होगी, आप भी कराची में, मैं भी हूँ, तो कराची में तो है हल्की फुल्की, लेकिन हीट वेव से बेहतर अब इस वक्त जो है। आप हीट वेव से मर सकते हैं, आप कोरोना से मर सकते हैं, आप भूख से मर सकते हैं। इस वक्त दुनिया के जो हालात हैं वो बहुत पेचीदा हैं, और हर देखिए साथ आदमी भाई, देखे ना, अगर ये 40,000 आप अपना यूएई से जो पाकिस्तानियों को आप ले आते हो, ये सारे तकरीबन लेबर तबका है, ठीक है ना? क्योंकि जो मतलब व्हाइट कॉलर जॉब्स कर रहे हैं वो तो फिर थोड़ा बहुत सर्वाइव शायद कर जाए, ठीक है, लेकिन जो बिल्कुल ही जो लेबर तबका जो है उनको आप ले आते हो, ठीक है, और लेबर तबका हमारे पास एक अच्छी खासी तादाद में है, सिर्फ यूएई में नहीं, फिर सऊदीया में, फिर बाकी ममालिक से भी आपको बुलाने पड़ेंगे, ठीक है? तो आप इन सबको बुला लेते हो, फिर ठीक है, फिर आप इनको क्वारंटीन में रखते हो, फिर आप उनको यहाँ छोड़ते हो वो अपने अपने इलाके में। तो यहाँ वैसे ही अपना कारोबार तो वैसे ही यहाँ पे ख़त्म हुआ हुआ है, यहाँ कोई वैसे ही वो कोई फैक्ट्रियाँ वगैरह तो अब चल नहीं रही हैं, तो मज़ीद एक अच्छी खासी आवाम यहाँ पे वैसे ही जो है वो फारिक टेक्सटाइल में काम कर रही है। तो आप 40,000 अगर आप यूएई से भी ले आते हो तो, और फिर उनको कहाँ फिट करोगे? फिर आप इन सबको अगर लेके भी आ जाते हो तो फिर आपका रेमिटेंस कहाँ जाएगा जो आपका रेमिटेंस आता था?
देखें ओवरऑल तो जो आपके डॉलर आते थे, तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो अब ये बात तो सही है आपकी, ना तो आपके पास इस वक्त डॉलर आएगा, ना रियाल आएगा, ना दरहम आएगा। जब आपके 40,000 एप्लीकेशन पाकिस्तानियों की आई हुई हैं, सारे पास तो यहाँ के कंपनीज जो बंद हो चुकी हैं पाकिस्तान में, जो उन लोगों ने भी अनाउंस नहीं किया है, और उन लोगों ने कह दिया कि आप अपनी बड़ी बड़ी कंपनी ऐसी हैं जो कह रही हैं कि जी आप जाएँ, अभी आप अनपेड ऑफ ले लें। इवन ये आप इंडिया में भी ऐसा हो रहा है कि भाई उन्होंने इनकी एयरलाइन ने कहा कि आप अपने स्टाफ को बोला है कि अब 90% जो है वो अनपेड पे जाए, और जब आपको बुलाएंगे तो हो जाएगा। अगर उसके बाद नहीं खुलता तो वो लोग भी, अभी उसकी तादाद हमें पता ही नहीं है कि कितने लोग इससे जॉबलेस होंगे, ये हमें वेट करना सही पड़ेगा। और ये मज़ीद इतने अच्छे आने वाले दिन जो हैं वो फिलहाल 2-3 महीने अच्छे नहीं लग रहे। हालात तो खैर अभी यही कह रहे हैं, और यहाँ भी खैर फैक्ट्रीज भी बंद हैं, कर्फ्यू नुमा लॉकडाउन भी है, काम यहाँ वैसे ही नहीं है। ठीक है, आपने कराची जो आपका सेंट्रल हब है वो आपने बंद किया हुआ है, ठीक है, तो लोगों कब तक, मतलब अगर जो एक मिडिल क्लास सबका है वो अब लोअर मिडिल क्लास में आ गया, तो वो कब तक वो सर्वाइव करेगा? आज भी खैर जो लैंड क्रूजर में जो निकलता है रोज का 5,000 का पेट्रोल डलवा के, उसके लिए तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनकी तादाद भी बहुत कम है। जो गरीब तबका है वो कहाँ जाएगा? फिर जो आपकी हाँ तो राशन ड्राइव है, आपकी राशन ड्राइव भी आपने देख ली है कैसी रही है, ठीक है, और आप ये तो एनजीओस, एनजीओस कब तक, कहाँ तक कर पाएंगी एनजीओस? अगर आप देखें तो ये हद तक अपना लोगों को फैसिलिटेट कर सकती हैं, लेकिन ये मतलब एक प्रॉपर सोल्यूशन एनजीओ कभी भी नहीं रहती है। आप सेलानी, जेडीसी, इनके ऊपर आप छोड़ दो, ये कभी भी एक प्रॉपर सोल्यूशन नहीं होता। देखिए, जहाँ तक बात कराची की है, देखिए अगर एनजीओ बाद में काम करती हैं, पहले गवर्नमेंट काम करती है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त खासकर कराची शहर में ये उल्टा हो रहा है कि एनजीओ ज़्यादा काम कर रही है, गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही उस लेवल पे जिस लेवल पे एनजीओ काम कर रही हैं। सलानी, जेडीसी, अलखदमत, केकेएफ और भी बहुत सारी जो हैं जिनका मैं नाम, बहुत सीपा, तो ये बड़े बड़े नाम हैं जिनके अलावा जो हैं जो काम कर रहे हैं, तो उस लिहाज से गवर्नमेंट नज़र नहीं आ रही जिस लिहाज से सारे एनजीओ काम कर रही हैं। जहाँ तक बात रही जो लैंड क्रूजर में आप कह रहे हैं जो 5,000 का पेट्रोल डाल के घूम रहा है, मसला ये कि यार उसका भी खर्चा अगर अच्छा खासा है तो अब वो उसके पास भी पैसा नहीं है। अब वो भी अपना जो पैसा से बचा है या जो कमाया है वो अब वो निकाल के खर्च कर रहा है। ये दुनिया में एक चीज़ तो अब साबित हो रही है कि भाई जो कारोबार पैसा कमाता है महीने के, चाहे वो छोटा ताजर हो चाहे वो बड़ा बिजनेसमैन हो, वो जो महीने के कमाता है उससे ही वो पूरा सिस्टम अपना चलाता है, उस पूरी कंपनी एक को उसकी एक एक। एक एक फैक्ट्री से तकरीबन, एक फैक्ट्री में अगर 1,000 लोग काम कर रहे हैं, तो एक फैक्ट्री से तकरीबन 20,000 लोगों का कारोबार वाबस्ता होता है। कोई उसमें क्या चीज़ सप्लाई, कोई इलेक्ट्रिक आइटम सप्लाई कर रहा होता है, कोई खाना सप्लाई कर रहा होता है, कोई क्या चीज़ सप्लाई कर रहा है, फिर वो उधर से माल लेके फिर वो आगे दे रहे हैं। तो एक फैक्ट्री बंद होने से तकरीबन तकरीबन कोई 20,000 लोगों को, तकरीबन एक नॉर्मल साइज फैक्ट्री, मीडियम साइज फैक्ट्री, 20,000 लोगों को फर्क पड़ता है। तो इस तरह से आपने पूरा एक पूरा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया आपने बंद करा दिया, आपने साइड एरिया बंद करा दिया, तो लोग कहाँ जाएंगे और कब तक बर्दाश्त करेंगे? बात तो इसमें इतनी सी है कि हमने बैलेंस करना है, जो हालात हैं वो दुनिया कर रही है। मसला पाकिस्तान का ये कि भाई साहब पाकिस्तान का इतना पैसा नहीं है, और पाकिस्तान में हर आदमी रजिस्टर भी नहीं है गवर्नमेंट के पास, हमारे जितना नीचे तबका है वो रजिस्टर ही नहीं है गवर्नमेंट के पास, ना वो टैक्स देता है ना वो रजिस्टर्ड है, जो टैक्स जो उनको सैलरी देते हैं वो भी रजिस्टर्ड नहीं है, जो मिडिल क्लास बिजनेसमैन है अपर मिडिल क्लास वाले भी रजिस्टर्ड नहीं है। अब तो दुनिया भर में जहाँ टैक्स का नफाज है वहाँ उनकी गवर्नमेंट सपोर्ट भी कर रही है। अब पाकिस्तान को ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा जिससे कारोबार भी चले और जिससे जो है आपका लोग भी बचे कोरोना से, और लोगों को भी एहतियात करनी चाहिए कि भाई बिला वजह ना निकलें पूरी फैमिली को लेके, जो गवर्नमेंट की हिदायत है उसको फॉलो करें। तो अगर 5 बजे बोल दिया कि यार आप 5 बजे आप बंद कर दें दुकान तो कर दें, जैसे आज आपको एक वीडियो वायरल भी होगी वो भी आपको हम शेयर भी कर दूंगा मैं आपको, और लोगों को भी कि वो दिखाया है कि एक एम्बुलेंस में एक सांप को लेके जा रहे थे, वो टूल प्लाजा क्रॉस किया कराची का, तो वहाँ पुलिस ने पकड़ लिया। जब उसको चेक किया गया तो वो डेड बॉडी नहीं थी, वो जिंदा इंसान था, उसका नाम कुछ और था, उसके मेडिकल सर्टिफिकेट में कुछ और नाम था, उस ड्राइवर ने 55,000 रुपये लिए थे
उसको मेरे ख्याल से खैबर पख्तूनख्वा छोड़ने के लिए 55,000 रुपये और उसमें 10 लोग थे उसमें। तो अब ये तो खैर अच्छे बुरे लोग हर जगह हैं, जहाँ इस तरह के लोग हैं वहाँ पाकिस्तान में खैर सत्तार एदी साहब जैसे भी लोग हैं, बशीर फारूकी साहब जैसे भी लोग हैं जो सैलानी चला रहे हैं, ये तो खैर है। अब हमारे यहाँ लोग गुर्बत, और जिसको जो थोड़ा बहुत मौका मिल जाए वो थोड़ा बहुत पैसे कमाने की कोशिश करता है, लेकिन यही है ना कि आपने लोगों को बिल्कुल ही आपने, अब आप एक नया नोटिफिकेशन आया 2 दिन पहले कि कोई डबल सवारी पे भी नहीं घूमेगा, ना मियाँ बीवी भी नहीं घूमेंगे, ठीक है, ना कोई मरीज को आप ले जा सकते हो। तो मिसाल के तौर पे अब देखो ना, अभी काम धंधे तो किसी के हैं नहीं, ठीक है, अब मरीज़ को मिसाल के तौर पे लेकर अगर आपने जाना है, ठीक है, तो आपके पास एक बाइक है, अगर एक नॉर्मल खांसी बुखार वगैरह टाइप का बाइक पे बिठा के आप ले जाओगे, सही है, अब आप वो आप कर नहीं सकते, ठीक है। फिर आपने कहा कि नहीं, आपको अगर इस तरह लेकर जाना है किसी को तो आप एम्बुलेंस बुलाएं, ठीक है, तो एम्बुलेंस कोई सिंध गवर्नमेंट की कोई है? पंजाब में तो चलो 1122 है, सिंध में है? सिंध में तो नहीं है कोई ऐसी। तो ये चीपा एदी इन्होंने हमारा ठेका तो नहीं ले रखा, ये कहाँ कहाँ तक लोगों को पहुँचेंगे? अब बुखार वाले बंदे को कोई क्यों अपना जिन्ना हॉस्पिटल लेकर जाएंगे? और ये अगर इस तरह से लोगों ने अगर इसका मिसयूज करना शुरू कर दिया, और ये भी कोई फ्री तो है नहीं, अगर आप एदी भी अगर आप बुलाते हो घर से तो 700-800 रुपये आप इस पोजीशन में अगर आप किसी की जेब से निकलवा रहे हो, तो ये आसानियाँ। अब किसी को अगर अगर कोई अपनी वाइफ के साथ अगर जा रहा है बाइक पे, ठीक है, तो ज़रूरी है कि उसको बाइक पे ही लगेगा, अब वो घर में भी तो साथ हैं, तो घर में क्यों नहीं उसको उनको कोरोना वायरस लग रहा? बाहर अगर वो लोग बाइक पे डबल सवारी में घूमें तो वहाँ उनको लग जाएगा कोरोना वायरस, घर में नहीं लग रहा, घर में रहो, घर में नहीं लगेगा, अरे भाई बाहर निकलेंगे, लगेगा तो एक साथ ही सबको लगेगा, अब थोड़ा बहुत तो आपको भी रिलीफ देना पड़ेगा। देखो इसमें दो बातें हैं, इसमें एक बात ये कि देखो गवर्नमेंट कोशिश कर रही है कि यार कम से कम लोग बाहर निकलें, ठीक है। असल में बात ये कि हमें जब इनिशियल जो लॉकडाउन हुआ था, जो स्टार्टिंग में हुआ था 23 मार्च को जब हुआ था, उससे पहले वाला जो था थोड़ा सख्त वाला, 23 मार्च को जो कहा था कि हम बंद कर देंगे, इनिशियल डेज का लॉकडाउन था वो काफ़ी स्ट्रिक्ट था, लोगों ने फॉलो भी किया, गवर्नमेंट ने कराया भी, ठीक है। अब जो सूरत हाल है, लोग तंग हो गए हैं, ऑब्वियसली बात है लोग थक गए हैं, हर आदमी थक गया है इस चीज़ से, लेकिन ये बात समझने की है कि ये हर आदमी को होगा भी नहीं कोरोना, कुछ लोगों को होगा जो हम सुन रहे हैं होके गुजर भी जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा, लेकिन वो एक कैरियर बन सकते हैं, वो किसी को भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसमें सिर्फ जो चीज़ समझाने की लोगों को है और समझना चाहिए कि आपको दूरी फासला रखना है, ये चीज़ ऐसी नहीं है कि ये हम बोलें कि ये 1 महीना 2 महीने में ख़त्म हो जाएगी, ये बहुत लंबा एक प्रोसेस है जो चलेगा, जो लेगा और ख़त्म होने में टाइम लगेगा, दुनिया के बाद भी बहुत चीज़ें बदलेंगी, हमें भी बदलना पड़ेगा, अब अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी। जो गवर्नमेंट बोल रही है ज़्यादातर गवर्नमेंट स्टडी के बाद बोल रही है, जो वहाँ हमारे माहिरीन हैं, डॉक्टर हैं, सिंध गवर्नमेंट के लोग जो बोल रहे हैं, ये वफाक के लोग बोल रहे हैं, कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं। पहले हम लोग भी, हम पाकिस्तानी कौम, हम पहले नहीं मानते, उसके बाद हम चीज़ें मानना शुरू करते हैं कि यार अच्छा ठीक है यार, अब मुश्किल वक्त आ गया तो ठीक है। अब जैसे पहले था कि 25 अप्रैल तक पीक आ जाएगी, लेकिन जो 25 अप्रैल की जगह अब जो पीक जा रही है वो जा रही है हमारे पिलर हैं, 25 अप्रैल तक 50,000 केसेस का था। हाँ, लेकिन अब जो उनका जो सिस्टम है वो जो जिससे कैलकुलेशन कर रहे, जो इंटरनेशनल लोग सारी दुनिया कैलकुलेशन कर रही है, SEIR जो सिस्टम है उसके मुताबिक कि भाई पाकिस्तान की पीक जो आती है वो आती है तकरीबन 15 मई के बाद, 15 या 25 मई के दरमियान, मतलब जो हमारे आखिरी अशरा या ईद का जो दिन होंगे उस दौरान आएगी। तो अल्लाह ताला रहम करे, इमरान खान साहब ने भी कल ही आपको अगर देखा होगा उन्होंने कहा है कि भाई कि हम जो है देख रहे हैं कि ईद के जो है एंड की तरफ या रमज़ान के आखिरी तरफ ये पीक आएगी, तो उसके लिहाज से हमें तैयारी करनी पड़ेगी और उसका आवाम को बताना पड़ेगा। बहुत सारे लोग मोहतात हैं, बहुत सारे लोग अभी भी इसको बहुत इजी ले रहे हैं, अगर आप वीडियोस देखें घूम रहे हैं लोग बाहर निकले हुए हैं, और इवन ये लॉकडाउन देखने भी निकले हुए लोग, लोग लॉकडाउन देखने भी निकले हुए हैं, आप सही कह रहे हैं, अपनी जगह रोड खाली है, चक्कर लगा के आते हैं, हाँ रोड खाली है, चक्कर लगा के आए, बहुत दिन होगा घर में बैठे हुए। फिर ये भी है कि हमारी गवर्नमेंट के लोग भी ऐसा प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, या वो भी खुद भी अपने डायरेक्टिव्स को फॉलो नहीं कर रहे कि हमें फासला रखना है। कल मैं एक देखा था काफ़ी तंजीम का, वो उनके ब्लड डोनेशन हो रही थी, अब उस ब्लड डोनेशन कैंप, उस कैंप के अंदर माशाल्लाह कुछ तकरीबन 30-40 लोग खड़े हुए, एक साथ ही खड़े हुए, ठीक है। अब
आपको सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है, लेकिन सब एक साथ खड़े में खून दे रहे हैं, तस्वीरें ले रहे हैं, तो जो सबसे ज्यादा सोशल डिस्टेंसिंग रखने का कह रहा है वो खुद ही नहीं अमल कर रहा है। ये आप सही कह रहे हैं, यही हो रहा है पाकिस्तान में। ये होता है कि अमल करवाना किसी और ने, तज ने करना होता है, वो करवाता नहीं है, तो इस सूरत हाल तो है। ऐसी हमारी मस्जिदों की भी सूरत हाल है, जिन लोगों ने कहा है कि ठीक है कि आप 6 फीट का फासला रखें, नमाज करें, तो अल्लाह करे उसमें जो SOPs बना रहे हैं ये 1 महीने की कारामत साबित हो, अपना इस पे अमल हो और ये फायदेमंद साबित हो। देखें ये चीज़ें अब मुस्तकिल रहेंगी, ये ऐसा नहीं होगा कि आप और मैं कह लें कि हम यार सिर्फ ये सब रमज़ान की हद तक SOP है या सिर्फ तरावी की हद तक है या सब ये हम सब अभी के लिए कर रहे हैं, ये आने वाले 5, 6, 8 महीने ये ऐसी प्रैक्टिस रहेगी जब तक दुनिया से ख़त्म ना हो जाए या असली कोई दवा बन जाए, जब तक ये आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाएगा। सर जैसे जी इसके अलावा सर ये तो 5-6 महीने तक तो ये हमारा एक अंदाज़ा ही है, लेकिन ये है कि चाइना में जहाँ से वुहान शहर से जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ ख़त्म हो गया, तो हमारे भी अगर चाइना से कुछ अच्छे ताल्लुक आते तो हम लोग उनकी SOPs ये पे काम कर रहे हैं या हम अपनी SOPs बना रहे हैं कि उन्होंने तो ख़त्म कर लिया, हम अब हमारी डायरेक्शन सही है कि नहीं है? हमारी जहाँ तक डायरेक्शन है हम कोशिश कर रहे हैं, असल में हम सारी कश्तियों में सवार हैं। हम लॉकडाउन नहीं कर पा रहे सही से, फिर हमने कहा कि जी हम जो है वो कुछ इलाके लॉकडाउन लॉकडाउन सही कर भी नहीं पा रहे और आवाम लॉकडाउन में रहना भी नहीं चाह रही, वो तो खैर से पाकिस्तान की आवाम नहीं, कोई भी आवाम नहीं रहना चाह रही, कोई भी आवाम नहीं रहना चाहिए। अब खैर मैं अपना एक वीडियो देख रहा था UAE की, अरे ज़्यादा दूर नहीं दुबई की मैं देख रहा था, वहाँ गवर्नमेंट ने सिर्फ एक अनाउंसमेंट की है, कोई रिक्वेस्ट नहीं की कोई वहाँ की कोई सेलिब्रिटीज़, कोई वहाँ के फुटबॉलर्स, कोई वहाँ के पॉलिटिशियंस, किसी ने आके अपना कौम से ना हाथ जोड़े ना रिक्वेस्ट की कि आप लोग बराए करम अपने लिए नहीं अपने घर वालों के लिए घर में रहें और सोशल डिस्टेंसिंग, सिर्फ एक अपना ऑर्डर आया और लोग अपने अपने घरों में हो गए। ये एक गवर्नमेंट की रिट है, एक रियासत की रिट है कि उसने कह दिया तो अब लोगों ने अमल करना ही करना है, अब कोई बाहर नहीं निकल रहा, जिनको इजाज़त है वो निकल रहे हैं बाकी कोई नहीं निकल रहा, ये गवर्नमेंट की रेट है। तो खैर हमारे यहाँ गवर्नमेंट को भी तो लोग थोड़ा इजी ले जाते हैं नहीं, और हर गवर्नमेंट की रेट की भी बात है, गवर्नमेंट की असल में यहाँ माशाल्लाह गवर्नमेंट भी बहुत सारी है ना, या वफाकी है सुबाई है फिर आप आ जाए तो गवर्नमेंट एक कह रहा है लॉकडाउन करो एक कह रहा है नहीं करो, अभी ये आप दुबई की बात कर, मैं आप दुबई की बात करें मेरे दोस्त से मेरे पहली बात हुई तो कहना कहा कि यार हमें एक फॉर्म दिया है क्या वो फॉर्म भरेंगे, पहले था कि 3 दिन में चले जाएंगे एक बार, तो उन्हें डेज बढ़ा दिए कि यार आप 10 दिन में या 15 दिन में आप एक बार जाएंगे, कितने बजे जाएंगे कब आएंगे कौन से रूट से जाएंगे, वो परमिट पूरा फॉर्म गवर्नमेंट की वेबसाइट से जाके है कि आप यहाँ से जाएंगे इतनी देर के लिए जाएंगे और इतनी देर में घर होंगे, और जो अपना रास्ते में किसी ने रोक लिया तो एमरजेंसी है हॉस्पिटल जा रहा हूँ ऐसी कोई कहानी नहीं है, आपने प्रॉपर फॉर्म फिल करना है और फिर आपने ग्रोसरी स्टोर जाना है। और यहाँ तो पूरे तकरीबन अगर कराची की आबादी है, अगर आप लगा मैं तो कराची की बात करूँगा 2.5 करोड़ आबादी है, तो 2.5 करोड़ आबादी अगर बाहर निकल जाए ना तो सब इमरजेंसी में ही निकले होंगे, कोई फालतू में नहीं निकला होगा, सबके अंदर कोई ना कोई इमरजेंसी होगी, तो मैं ये खैर एक अच्छा बहाना मिल गया बाहर निकलने के लिए। आवाम मिस यूज़ कर रही है, अब इसमें जो ज़रूरतमंद होता है वो फिर उसका थोड़ा बहुत फिस जाता है, जो वाकई एक्चुअल केस तो जाहिर बात है वो फिस हो ही रहा है ना जो ज़रूरतमंद है, बाकी जो लोग निकल रहे हैं अभी एक आज एक और वीडियो आई अगर आप वो देखें किसी ड्राइवर की दिखाई है, उसके अंदर जो है वो एक कतार लगी हुई लोग जा रहे हैं, अब वही लोग कह रहे हैं तो आप ख़त्म कर दें ताकि सोशल डिस्टेंसिंग हो जाए या उसको फिर आप कुछ और नाफिज करें, तो लोगों को भी वही बात है कि हम लॉकडाउन देख के आए गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है वो भी देखना बहुत जरूरी है लोगों को इंटरेस्ट है। साथ भाई एहसास प्रोग्राम का बताओ, 12,000 रुपये जो मिल रहे हैं ये किस हद तक एक अचीवमेंट कहेंगे अच्छा एकदम कहेंगे इररिलेवेंट कहेंगे, ऐसी स्कीमें बात माजी में भी आती रही हैं क्या यार? देखो क्या इसके अलावा कुछ और हो सकता था? देखो ये इसके अलावा पहले तो इसका जो देने का तरीक़ेकार है उसको बेहतर किया जा सकता, जैसे सब लोग बोल रहे हैं कि यार आप इजी पैसा से या आप अब आके जब डेटा इनका मौजूद था इन सबका NIC मौजूद था इनका फ़ोन नंबर ही ऑब्वियसली बात है जब मौजूद होंगे तो आप इनको इजी पैसा कर देते या जैस कैश कर देते कोई ऐसा कर देते या जिनके अकाउंट्स उनको अकाउंट में आप कर लेते ठीक है,
दरअसल 12,000 देना, अब सवाल ये कि क्या इन लोगों ने एक बार दिए है या ये महीने भर ये हर महीने देंगे। अगर ये एक बार दिए तो बारह हजार रुपए ये 12,000 रुपये एक ही दफा है। हाँ तो बहरहाल ये 12,000 रुपये एक दफा देने से कुछ होना तो नहीं है किसी का भी, क्योंकि एक एक दफा 12,000 रुपये में कुछ भी नहीं होता एक फैमिली का। पहले तो 3,000 थे वो, तो फिर बाद में लोगों ने कहा 3,000 रुपये तो बहुत कम है, तो एकदम से 12,000 रुपये कर दिए सास प्रोग्राम में। लेकिन कुछ ना होने से तो कुछ होना चाहता था। वो तो अभी से बात बेहतर है कि पाकिस्तान में अगर कुछ मिल भी जाए, और अगर वो साफ तरीके से अगर मिल रहा है तो ठीक है, अच्छी बात है कि चलो कुछ तो मिले। लेकिन ये है कि ज़्यादातर गवर्नमेंट से लोग अपनी मदद कर रहे हैं, गवर्नमेंट के पास भी लिमिटेड वसाइल है, वो काम कर रहे हैं। चले बेहतरीन, चलें साथ भाई आज के प्रोग्राम को इधर ही अख्ताम करते हैं। हमारा 20 मिनट का प्रोग्राम था, इससे ज़्यादा हो गया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। ठीक है, अन करीब आपसे फिर से मुलाकात होगी, इसी तरह जब तक हम लोग लॉकडाउन में हैं इसी तरह स्काइप पे ही आपसे मुलाकात होती रहेगी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।